फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं वाटर और वाटर में हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे पॉल्यूशन ऑफ वाटर, यानी जैसे हमने पढ़ा था एयर पॉल्यूशन, यानी हवा कैसे पॉल्यूशन उसमें होता है, कैसे गंदी होती है हवा, बिल्कुल वैसे ही हमारा वाटर भी गंदा होता है। तो इसे कहते हैं पॉल्यूशन ऑफ वाटर। इम्प्योर और डर्टी वाटर इज कॉल्ड वाटर पॉल्यूशन, ठीक है। इम्प्योर और डर्टी वाटर ये कहलाता है, जो गंदा पानी होता है, अशुद्ध पानी होता है, ये कहलाता है वाटर पॉल्यूशन। कॉजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन, अब इस वाटर पॉल्यूशन के क्या कॉज होते हैं, क्या कारण होता है? तो बच्चों, इसमें सबसे पहला जो कॉज है, सबसे पहला जो कारण है, वो है पीपल बाथिंग एंड वॉशिंग देयर क्लोथ्स इन रिवर एंड लेक्स। लोग जो है, लोग मैंने हम आप, ठीक है, लोग का मतलब कोई एक पर्टिकुलर इंसान नहीं है, हमारे जैसे लोग ही नदी के किनारे क्या करते हैं, अपने कपड़े धोते हैं और वो सारा पानी कहाँ जाता है, रिवर में और लेक्स में जाता है और वो पानी गंदा हो जाता है। नेक्स्ट है पीपल थ्रू गार्बेज इनटू रिवर एंड लेक्स। लोग जो होते हैं, जितना भी कूड़ा करकट होता है उनके घर का, पड़ोस का, खाली जगह का, नालियों का, सारा साफ करके कहाँ फेंक देते हैं, नदियों में और लेक्स में फेंक देते हैं। आपने देखा होगा कई बार लोगों का, जो रुड़की में जो नहर है, पैकेट के पैकेट बाइक से उतरते हैं, टेम्पो से उतरते हैं, कार से उतरते हैं और पूरा का पूरा एक पॉलीथीन उठा के नहर में फेंक देते हैं। इससे क्या होता है, वाटर पॉल्यूशन होता है। नंबर थ्री है पीपल लेटिंग देयर एनिमल्स बाथ इन टू रिवर्स एंड लेक्स। लोग अपने एनिमल्स को नहलाते हैं किसमें, रिवर्स में, जिससे कि वो सारा पानी चला जाता है दोबारा नदी में और लेक्स में, तो वो पानी गंदा हो जाता है। नेक्स्ट है बच्चों पीपल लेटिंग द वेस्ट वाटर फ्रॉम फैक्ट्रीज फ्लो इन टू रिवर्स। जितनी भी फैक्ट्रीज होती हैं उनमें से बहुत गंदा जहरीला पानी निकलता है, तो क्या करते हैं लोग, उस पानी को रिवर में बहा देते हैं, ठीक है, जो भी पास में बहता है पानी उसी में जाके उसको जोड़ देते हैं, तो इसलिए वो पानी पॉल्यूशन उसमें हो जाता है। नेक्स्ट है सीवेज वाटर फ्लोइंग इनटू रिवर्स। बच्चों, हमारे घर का जितना भी गंदा पानी होता है सीवेज का, वो सारा पानी लोग नालियों में डालते हैं और वो सारी की सारी जा कर के फिर नदियों से जोड़ दिया जाता है सीवेज वाटर को, और इससे तो सबसे ज़्यादा वाटर पॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट है सिक्स नंबर पर डेड एनिमल्स एंड देयर वेस्टेज बीइंग थ्रोन इनटू रिवर्स। जब किसी का कोई एनिमल मर जाता है तो उसका जो भी वेस्ट होता है, डेड एनिमल का वेस्ट, ठीक है, लोग तो पूरा का पूरा डेड एनिमल ही डाल देते हैं, और तो क्या होता है, वो सारा बह करके नदी में जाता है जो भी उसका वेस्ट होता है, और डेड एनिमल से भी वाटर पॉल्यूशन होता है। ह्यूमन वेस्ट बीइंग लेफ्ट इन द ओपन वॉश इनटू रिवर्स बाय रेनफॉल। जो ह्यूमन, जो हम लोगों की जो गंदगी होती है जिसे हम इधर उधर फैलाते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हम फैलाएं, ठीक है, तो क्या होता है, जैसे ही बारिश आती है वो चला जाता है नालियों के थ्रू, नालों के थ्रू, और बह करके सारा रिवर्स में चला जाता है ना, बारिश से, और उससे क्या होता है, वाटर पॉल्यूशन होता है। आजकल आपने देखा होगा सारी नालियों की सफाई हो रखी है और सारे बड़े बड़े कूड़े के ढेर सड़कों के किनारे, नालियों के किनारे ढेर लगे हुए हैं। बच्चों, जैसे ही बारिश आएगी ये सारा का सारा कचरा जाएगा नालियों में, फिर नालों में, और फिर बह करके चला जाएगा नदियों में, और इससे क्या होगा, वाटर पॉल्यूशन होगा। तो अब हमें क्या करना है, जितने भी मैंने आपको पॉइंट्स लिखवाए हैं ये सारे पॉइंट्स आप अपनी कॉपी पर लिखेंगे, ठीक है, और विद स्पेलिंग आपको ये सारी की सारी याद भी करनी है, ठीक है बच्चों। तो चलिए, ओके, टेक केयर।